राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, थाना सारा पुलिस समेत एसओजी की टीम संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत चार साथी लुटेरे गिरफ्तार। आपको बता दें कि दिनांक 28/21 को कोतवाली सादाबाद क्षेत्र गांव कजरौटी के समीप देवी चरण पुत्र कन्हैयालाल निवासी उच्चागाम जो पेट्रोल पंप पर मैनेजर का काम करता है के साथ मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों द्वारा लूट की घटना कायम की गई थी, जिसके संबंध में थाना सादाबाद पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमों का गठन कर घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में थाना सादाबाद पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में आज दिनांक 16/7/21 को पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल चार लुटेरों को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत में अवैध असलाह तथा लूटी गई नकदी तथा घटना में प्रयुक्त दोनों कावापाची व बुलेट मोटरसाइकिल व अवैध असलाह कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राम गोपाल और पप्पू दर्जी थाना बलदेव जनपद मथुरा का स्ट्री शीटर अभियुक्त भी है, जिसके विरुद्ध जनपद मथुरा व जनपद हाथरस एटा आगरा के विभिन्न थानों पर लूट चोरी गैंगस्टर संगीन धाराओं में करीब 3 दर्जन अभियुक्त पंजीकृत हैं। पूछताछ का विरोध गिरफ्तार अभियुक्त गरो द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अभियुक्त पंजीत को जो पेट्रोल पंप मैनेजर के पास के ही गांव का रहने वाला है तथा उसको पता था कि मैनेजर 3 दिन के पैसे एक साथ लेकर कब कैसे और कहां से जाएगा, इसके द्वारा ही रैकी कर गई लूट की पूरी योजना बनाई गई थी तथा उसने ही पूरी जानकारी अपने सह अभियुक्तों को दी थी। इसके उपरांत घटना के दिन सह अभियुक्तों द्वारा रास्ते में पेट्रोल पंप मैनेजर का पीछा करते हुए सुनसान जगह पर लूट की घटना कार्य की गई थी। पुलिस अधीक्षक हाजरा द्वारा पुलिस टीम को उनके सराहनीय कार्य के लिए उत्सावर्धन हेतु 25,000 रुपए नगद पुरस्कार से सम्मान दिया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम और पता, चेतन पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम बाद थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा, नटवर पुत्र राजू सिंह निवासी ग्राम बाद थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा, राम गोपाल उर्फ पप्पू दर्जी पुत्र सुक्की निवासी नगला संजा थाना बलदेव जनपद मथुरा, अजीत पुत्र खजान सिंह निवासी पलाहवत थाना सादाबाद जनपद हाथरस। आइए देखेंगे अनिल चौधरी की खास रिपोर्ट। सर, कितने लोग पकड़े हैं इस मामले में? ये देखिए, जनपद हाथरस के थाना सादाबाद पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूट के 2,05,000 रुपये नगद, लूट की घटना में प्रयोग किए हुए 2 मोटरसाइकिल, एक अपाचे सफ़ेद रंग की तथा एक काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल। इसके अतिरिक्त उन चारों के पास से अवैध तमंचे और भारी मात्रा में खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। आपको अवगत करा दें कि दिनांक 28 जून को थाना सादाबाद क्षेत्र के कजरौटी में एक पेट्रोल पंप कर्मी जो बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था, उसके साथ इन बदमाशों द्वारा कैश लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके संबंध में थाना सादाबाद पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसके शीघ्र अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों के अथक प्रयास के उपरांत इसमें सफलता मिली है और घटना का अनावरण हुआ है और इन चारों लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इन चारों लुटेरों के विरुद्ध थाना सादाबाद पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए ये अभियुक्त, इनमें से 3 जनपद मथुरा के रहने वाले हैं और 1 इसमें जनपद हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र का है। इन सभी घटनाओं का जो ये मास्टरमाइंड है, पप्पू दर्जी नाम है इसका, और ये थाना बलदेव का प्रचलित हिस्ट्री शीटर है, जिसपे पूर्व में करीब 32 मुकदमे दर्ज हैं संगीन धाराओं में। इन सभी अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा मेरे द्वारा इस सराहनीय कार्य करने हेतु जो इसमें टीम लगी थी, इनको 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।
एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर।